उस लक्ष्य लक्ष्य वेधी परीक्षा में सिद्धार्थ पास हुए। उस लक्ष्य वेध की परीक्षा में सिद्धार्थ पास हुए और सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह हुआ। कुछ समय के बाद में एक बेटे का जन्म हुआ और अपना बढ़िया वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। तो कपिल वस्तु के अंदर में जो भी, चाहे राजा का लड़का हो, चाहे छोटे घर का लड़का हो, चाहे रंग का लड़का हो, जो भी कपिल वस्तु में रहते थे, तो उनको एक सांप के संग हुआ करता था। उस संग में 18 साल कंप्लीट करने पर उस संघ के अंदर में सभी को भर्ती होना पड़ता था, और वो जो संघ है वो सात लोगों के हितों की रक्षा करता था। तो 18 साल के तथागत हुए तो उनको भी साक्ष संघ में भर्ती होना पड़ा, साक्ष संघ की सभा में जाना पड़ा और साक्ष संघ का मेंबर बनना पड़ा। तो वहां पर ये नियम था कि चाहे कोई भी हो जिसने 18 साल की उम्र की उम्र क्रॉस की, उसको साक्ष संघ में जाना होता था। ऐसा करके 28 साल की उम्र तक वो बराबर सिद्धार्थ साक्ष संघ की सभाओं में, मीटिंग में जाते रहे और वहां से जो इंस्ट्रक्शन आदेश मिलते रहे बराबर उसको फॉलो करते रहे। लेकिन 29वें साल के अंदर में एक घटना घटी। घटना ऐसी घटी कि शाक्यों और कोलियों के बीच में रोहिणी नदी के ऊपर पानी के लिए झगड़ा हुआ, और वो झगड़ा ऐसा बना हुआ, उस झगड़े की वजह से, हालांकि लंबे समय से उनका झगड़ा होता था, लेकिन 29वें साल में जब तथागत का उम्र का अंतिम चल रहा था, उस समय में वो जो रोहिणी नदी के पानी के लिए झगड़ा हुआ, तो झगड़े ने विकराल रूप धारण कर दिया। और यहाँ पर शाक्य संघ ने अपने संघ को आमंत्रित किया सेनापति ने, और कहा कि भाई ये बहुत लंबे समय से ये रोहिणी नदी के पानी के लिए कलह होता रहा है, तो हमें इस कलह को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। इसका हल ये है कि हमको शाक्य संघ को कुली पर आक्रमण करना पड़ेगा। तो इसके लिए सभा बुलाई शाक्य संघ की, तो उसमें तथागत भी गए, सिद्धार्थ नाम से उस समय को जाना जाता था, वो भी गए। उन्होंने कहा कि भाई ये जो युद्ध है, इस युद्ध का मैं सहायक नहीं हूँ, मैं इस युद्ध का समर्थन नहीं करता, क्योंकि एक युद्ध से दूसरे युद्ध का जन्म होगा। तो ये बात सेनापति को छिन्न लगी। सेनापति ने कहा कि मैं सेनापति हूँ, यहाँ पर जितने भी शाक्य संघ के लोग हैं सारे लोगों को मेरी बात मानना पड़ेगा। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं, मैं आपका बात आपकी बात का समर्थन नहीं करता, क्योंकि एक झगड़ा, ये जो छोटा झगड़ा है ये बड़े बनेगा, और एक दिन ये झगड़े झगड़ों से दोनों शाक्य लोगों की भी और कुली लोगों की भी बहुत हानि होगी। तो सेनापति ने कहा कि भी मैंने जो दिया है, इस आदेश का जो पालन नहीं करेगा दंडित किया जाएगा। तथागत सिद्धार्थ ने कहा कि चाहे जो भी दंड हो उस दंड को मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं उनके साथ युद्ध करने में शरीक नहीं हूंगा। तो आखिर पर करना पड़ा, और दंड 3 रखे थे। पहला दंड था, 3 शर्तें रखी थी। तो पहली शर्त थी कि जितने भी जो शाक्य संघ के मेंबर है, अगर वो उनको तो दूसरी साथी लोग इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे, तो उनको फांसी देंगे, देश निकाला घोषित किया जाएगा। तीसरा था कि तीसरा उन्होंने नियम बनाया था कि भाई जो लोग इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे तो उनकी संपत्ति को जब्त कर दिया जाएगा और उनको संपत्ति भी कर दिया जाएगा। तो तथागत ने कहा कि भाई जो मैं पहला जो शर्त थी कि भाई मैं सेना में भर्ती होकर मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो उन्होंने कहा कि भाई ये का पहला काम तो नहीं करूंगा मैं, जो पहली शर्त वो नहीं करूंगा। दूसरा कि मैं फांसी पर तो नहीं लटकूंगा, लेकिन मैं ग्रह त्याग करूंगा। और जो तीसरी बात थी, तीसरी बात ये थी कि भाई इनके माता पिता की संपत्ति को छीन कर इनको संपत्ति विहीन कर दिया जाए। तो सिद्धार्थ ने कहा कि भाई ये काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाक्य संघ का मेंबर मैं हूं, शाक्य
आपके संघ का मेंबर मैं हूँ, तो मेरे माता पिता को जमीनहीन और धनविहीन न किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरी शर्त को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं ग्रह त्याग करके इस जो शाक्य संघ है और जो शाक्य वंश है, जो शाक्य का जो एरिया है, इस एरिया से मैं हमेशा के लिए बाहर निकल आऊंगा, एक प्रकार से मेरा देश निकाला हो जाएगा। इस तरह से तथागत ने ग्रह त्याग किया और ग्रह त्याग करने के बाद में ये कपिल वस्तु के सीमा में ही एक आश्रम था भारद्वाज का, उस भारद्वाज के आश्रम पर इन्होंने अपना मुंडन करवाया और ये प्रजा एक बनने की घोषणा की और इस तरह से वो उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। लेकिन होलियों के बीच में युद्ध के लिए उनको जाना था, उस बात को स्वीकार नहीं किया। मैं साथियों यहाँ पर जो बताना चाहता हूँ, मैं ज्यादा लंबा समय दूंगा क्योंकि मेडिटेशन इस शब्द के ऊपर मैं आना चाहता हूँ कि जब वो वहां से निकले और भारद्वाज के आश्रम पर उन्होंने जो संस्कार किए, कर्म किए, जो परिवार के लिए आवश्यक जो संस्कार होते थे वो किए और उनकी घोषणा हुई कि उन्होंने आज अपना संस्कार ने जो ले लिए और ग्रह त्याग कर दिया और परिवार का भेष उन्होंने पहन लिया और वो सदा सदा के लिए घर से निकल गए। जाते समय रास्ते में उनकी एक भृगु नाम के जो ऋषि थे उनके पास उनकी मुलाकात हुई, वहां उन्होंने स्टे किया और वहां देखा कि भृगु के आश्रम पर कई प्रकार के ऋषि थे जो अपनी अपनी तपस्या में लीन थे और उनकी तपस्या बड़ी अजीब प्रकार की थी, जिनसे तथागत के मन में सिद्धार्थ भी बड़े भाव पैदा हुई कि कैसी तपस्या है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ। तो उनके दिल में क्या था, सिद्धार्थ दिल में क्या था कि मैंने जो ग्रह त्याग किया है तो मैं जो ग्रह त्याग करके जाऊंगा, जो ग्रह त्याग करके जा रहा हूं, तो मैं ऐसे मार्ग की खोज करूंगा जिससे सारे मानवता का कल्याण हो जाए। इस संसार के अंदर में इस धरती पर अधिक से अधिक लोग, क्या कहते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत सारे लोग इस संसार के अंदर में जो मानवता के कल्याण के पथ पर चले और सभी के जीवन से, बहुत सारे लोगों के जीवन से दुख दूर हो जाए और मैक्सिमम लोग इस जीवन में सुखी रहे, किसी प्रकार के जिसके दिल में कोई दुख ना हो, कोई संताप ना हो, किसी के जीवन में कैसे भी कोई किसी प्रकार का दुख ना हो, तो मैं ऐसे मार्ग की खोज करूंगा। इसके लिए तथागत निकले कि कलह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कि भाई बहन के बीच में, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में, पिता पुत्र के अंदर में, पति पत्नी के अंदर में कलह नहीं होना चाहिए और यह कलह होगा, यही कलह हमारे दुख का कारण बनेगा। इसी कलह के बाद में बड़े बड़े कलह होंगे, बड़े बड़े राजाओं के झगड़े होंगे और दुनिया के अंदर में ये कलह फैल जाएगा और अशांति होगी। इसे तथागत ने कहा कि मैंने जो ग्रह त्याग किया है, मैंने ये सेनापति की बात मान ली है, तो मैं जो ग्रह त्याग करके मैं जंगल में सीधी होऊंगा, मैं ऐसे मार्ग खोज करूंगा, मैं ऐसा मार्ग खोजूंगा कि दुनिया के अंदर में 90% लोग, बहुत सारे लोग ये सुख मार्ग पर चलेंगे और किसी के जीवन में दुख नहीं होगा, ऐसे मार्ग के लिए वो घर से निकले। तो भृगु के पास से जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग तपस्या कर रहे हैं और ये जो तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि इनको व्यक्तिगत फायदा हो, अपने कल्याण की तपस्या कर रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि मुझे ऐसा मार्ग ढूंढना है कि जिससे सारी दुनिया का, सारी मानवता का कल्याण हो जाए। उनको जब पता लगा कि आलार कलाम ध्यान मार्ग के बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञाता है, तो धीरे धीरे वो आलार कलाम के पास गए। आलार कलाम के पास से उन्होंने ध्यान मार्ग सीखा, लेकिन मुझे समझ में आया कि ध्यान मार्ग से भी मैं उस रास्ते को नहीं पा सकता जिसकी कामना मैं कर रहा हूँ, जिससे मानवता का कल्याण हो जाए। फिर उनको उदक रामपुत्र के बारे में पता चला कि उदक रामपुत्र जो है आलार कलाम से भी एक कदम ध्यान विधि में आगे है, उनका उन्होंने पता किया, उनके पास गए, उनसे भी उन्होंने ध्यान का मार्ग सीखा। लेकिन तथागत को समझ में आया कि ये जो उद्धव रामपुर से जो मैंने सीखा, ठीक है, इसे ध्यान मार्ग मेरा थोड़ा आगे बढ़ा, मेडिटेशन आगे बढ़ा, मैं कुछ सीखा, लेकिन मानवता के कल्याण का रास्ता मुझे इससे भी नहीं मिल सकता। फिर उन्होंने कहा कि मैं भृगु के आश्रम पर गया, वहां पर मैंने तपस्या करते हुए लोगों को देखा, तो तथागत ने कहा कि चलो मैं पुनः तपस्या करता हूँ, हो सकता है तपस्या करने के बाद मुझे रास्ता मिल जाए। उन्होंने फिर तपस्या का मार्ग अपनाया और तपस्या में इस मुकाम पर पहुंचे वो कि इस स्थिति में पहुंच गए कि उनका शरीर
इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि पेट और पीठ, अगर पेट को स्पर्श करते तो पीठ को हाथ लग गया था, और पीठ को स्पर्श करते तो उनके पेट को हाथ लग गया था, शरीर कमजोर हो गया। और ये तपस्या का क्रम भी धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ा। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर एक बरगद के पेड़ के नीचे ये तपस्या करते थे, तो वहां पर उस बरगद के पेड़ को के नीचे बैठे तो किसी ने, एक सूर्याता नाम की ये सेनानी की पुत्री थी, उसने बरगद के पेड़ को एक मन्नत मांग रखी थी कि हे वृक्ष देवता, अगर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं तुझे प्राप्त करूंगी। इत्तेफाक से क्या हुआ, उसी वृक्ष के नीचे तथागत बैठे थे तपस्या करने के लिए, और तपस्या के लिए बैठे वो जो उसने मन्नत रखी थी, इत्तेफाक से वो उसकी मन्नत पूरी हुई। सिद्धार्थ का मतलब नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो धारणा बनी थी कि पेड़ के नीचे इसको मैंने वृक्ष समझा था, पेड़ को वृक्ष देवता समझा था, और उसी पेड़ के नीचे इत्तेफाक से सिद्धार्थ बैठते तपस्या करते हुए, तो उसने समझ लिया कि यही वृक्ष देवता है, किसको, सिद्धार्थ। और इस तरह से उन्होंने सुजाता ने उसको सिद्धार्थ को जो कटोरी भर खीर को दान दी, भेंट चढ़ाई उस वृक्ष देवता को, और वृक्ष देवता समझ कर खीर दी। सिद्धार्थ ने वो खीर नदी के किनारे तो नदी में स्नान करके वो खीर खाई, तो उनके शरीर में बड़ी चेतना आई, उनके शरीर में बड़ी स्फूर्ति आई। तथागत ने कहा कि भूखे रहकर शरीर को तपा कर मैं मानवता के कल्याण का मार्ग रास्ता नहीं ढूंढ सकता। उनसे जो उनको पांच साथी जंगल में मिले थे, वो पांच साथी उनसे नाराज हो गए और हमेशा के लिए तथागत सिद्धार्थ छोड़कर चले गए। लेकिन सिद्धार्थ वहां से एकदम बुद्ध गया के पास में उरुला था, वहां पर उन्होंने ये खीर ग्रहण की, और उसी के पास उरुला में वो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे जिसको सुजाता ने वृक्ष देवता समझ लिया था। लेकिन खीर खाने के पश्चात तथागत धीरे धीरे बुद्ध गया की तरफ बढ़े, और वहां पर बुद्ध गया में एक पीपल का वृक्ष मुझे मानवता के कल्याण का रास्ता नजर नहीं आया। लेकिन उन्होंने वहां पर एक प्रतिज्ञा की कि 40 दिनों का भोजन इकट्ठा किया, और मैं इस शब्द पर आ रहा हूं मेडिटेशन, कि 40 दिनों का उन्होंने भोजन एकत्र किया, और उन्होंने वो पीपल का वृक्ष, उनको पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठूंगा और 40 दिन की भोजन की व्यवस्था की, कि जब तक मुझे मानवता के कल्याण का मार्ग नहीं मिलेगा, तब तक चाहे मेरे शरीर की हड्डियां गल जाए, मेरे शरीर का खून सूख जाए, लेकिन जब तक मुझे मानवता के कल्याण का रास्ता नहीं मिलेगा, मैं यहां से उठूंगा नहीं। ये ऐसा उन्होंने प्रण किया, और प्रण करके वहां पर बैठे, और उन्होंने उनको 28वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं साथियों यहाँ पर आपको जो बात बताने जा रहा हूं, ये जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन शब्द को हमको समझना होगा। आज मेडिटेशन के बारे में लोग नाना प्रकार के अर्थ समझते हैं, लेकिन यहाँ पर हम महाकरणी बुद्ध के माध्यम से मेडिटेशन को समझेंगे कि ये जो मेडिटेशन है, तथागत जब बैठे पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठे और तथागत ने प्रतिज्ञा की कि मानवता के कल्याण का मार्ग मुझे जब तक नहीं मिलेगा, मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे से नहीं उठूंगा, चाहे मेरे शरीर की हड्डियां गल जाए, मेरे शरीर का खून सूख जाए, चाहे मेरे प्राणों का अंत हो जाए। तो वहां पर उनके दिल में क्या आया, सिद्धार्थ ने ये प्रण किया कि ऐसा ध्यान लगाया, सिद्धार्थ ने ऐसा ध्यान लगाया कि उस ध्यान के अंदर में उनका एक ही बात था कि दुनिया के दुखों को दूर करने का मुझे रास्ता चाहिए, दुनिया के दुखों को दूर करने का रास्ता चाहिए,
और उन्होंने 100% उस मामले में सफलता अर्जित की और उनका पूरा शरीर का रोम रोम इस बात के लिए लालच था कि दुनिया के मानवता का कल्याण करने के लिए, दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए मुझे रास्ता चाहिए, मुझे मार्ग चाहिए। ये मार्ग अगर मुझे नहीं मिला तो इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मैं यहां से बगैर मानवता के कल्याण का रास्ता का मुझे जब तक रास्ता नहीं मिलेगा, मानवता के दुखों को दूर करने का रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे से उठूंगा नहीं। साथियों, ये मेरी डिसीजन है। ये ध्यान है कि यहां पर अभी जो लोग ध्यान करते हैं, अभी जो ध्यान करते हैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए ध्यान करते हैं कि अब मैं ध्यान करूंगा, मेरी मेमोरी बढ़ेगी, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यहाँ पर तथागत का जो उद्देश्य था, यहाँ पर जो ध्यान था, ऐसा ध्यान किया उन्होंने, ऐसा ध्यान किया कि दुनिया के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने मार्ग ढूंढ निकाला और उसी को कहते कुमसा मार्ग, पंचशील मार्ग, पंचशील का मार्ग, पांच शील, अष्टांगिक मार्ग और दस पारमिताएं। ये तथागत को उस ध्यान के माध्यम से मिला और उस इस मार्ग पर चलकर आज पूरे संसार के अंदर में जो जो लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं उनका जीवन सुखी हो रहा, दुनिया में तरक्की कर रहे और उनके जीवन में आज सुखी सुख पा रहा। तो साथियों, यहाँ पर मेडिटेशन का मैं मतलब बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन जो तथागत ने कहा था, अब मैं आऊंगा इस देश के अंदर में जो मेडिटेशन जो चल रहा है, तो लोग मेडिटेशन कर रहे किसके लिए? अपने स्वास्थ्य लाभ। लेकिन तथागत का मेडिटेशन क्या था? दुनिया के लोगों को सुखी करने के लिए, दुनिया में कोई दुखी नहीं रहे ऐसे लोगों के, मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने मेडिटेशन किया, ध्यान किया और पूरी दुनिया को केंद्र में रखा कि दुनिया में कभी कोई दुखी नहीं होना चाहिए, दुनिया के अंदर कोई हैरान परेशान नहीं होना चाहिए और सारी मानवता कैसी रहे, सुखी रहे, इसके लिए उन्होंने ध्यान किया। उस ध्यान के अंदर में मानवता के कल्याण का मार्ग निकाला और पूरे संसार के अंदर में मानवता के कल्याण का मार्ग कौन सा है? पंचशील का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है और दस पारमिता है। मैं एक आपको उदाहरण बताना चाहूंगा कि एक बार बाबा साहब नानक चंद्रत्तू बाबा साहब के सहयोगी थे और रोज बाबा साहब से जाकर मिलते थे और बाबा साहब से मिले बगैर कभी अपने जीवन में क्षण नहीं किया। वो अपने नौकरी करते थे तो नौकरी से अपने घर आकर, घर से आकर फिर बाबा साहब के बंगले पर जाते थे और बाबा साहब का पूरा काम करके, बाबा साहब जो भी हेल्प चाहिए थी वह हेल्प करके 11 बजे रात को नानक चंद्र तो बाबा साहब के बंगले से अपने घर पहुंच जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बाबा साहब किसी किताब को लिखने बैठे और नानक चंद्र तो 11 बजे बाबा साहब से बोलता है कि बाबा साहब अब मैं घर जा रहा हूं। तो नानक चंद्र तो 11 बजे बाबा साहब के बंगले से निकले और अपने घर गए, भोजन किया, रात भर सोए और दूसरे दिन नानक चंद्र तो पुनः 10 बजे बाबा साहब के पास में आए। तो बाबा साहब के पास आए तो बाबा साहब क्या बोलते हैं, क्यों नानक चंद्र तू तुम अभी तक घर नहीं गए? देखो वहां बाबा साहब का ध्यान कैसा था, इसको कहते कंसेंट्रेशन। तथागत ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 28 दिन ध्यान करके मानवता के कल्याण का मार्ग निकाला और बाबा साहब ने एक ही सिटिंग में बैठकर कि ये जो बहुजन समाज है, ये दुखी लाचार बेबस समाज है, इस समाज को मैं कैसे मानवता का सुख दूं, कैसे इनके जीवन में मैं सुख लाऊं, कैसे इनके जीवन को, जीवन से दुख दूर करूं। तो बाबा साहब ऐसा मेडिटेशन ये था, मतलब बाबा साहब जब रात को 11 बजे बैठे तो दूसरे दिन तक 10 बजे तक उनका जो ध्यान है उस किताब के ऊपर से हटाने और नानक चंद्र तू जो रात को 11 बजे बाबा साहब के पास से गया, दूसरे दिन नानक चंद्र तू 10 बजे आए तो बाबा साहब को ऐसा लगा, बाबा साहब कहते नानक चंद्र तू अभी तक नहीं खड़ा है, ये है ध्यान। इसको कहते हैं ध्यान कि आपका पूरा कंसेंट्रेशन दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए होना चाहिए। आज ये पूरा संसार तथागत को क्यों मानता है, आज संसार में, पूरे संसार के अंदर में आज तथागत ने दुनिया के सुख का मार्ग ढूंढा और दुनिया के सुख का मार्ग ढूंढकर आज जो जो लोग उस मार्ग से चले, पंचशील के मार्ग से चले, अष्टांग मार्ग को जो अपनाने लगे, जो पारमिता को अपनाने लगे, आज उनका जीवन सुखी हो गया। इसका एग्जांपल आज हमारे सामने देखो, हिरोशिमा जापान के अंदर में हिरोशिमा नागासाकी, जहां पर
परमाणु बम फेंका था, आज वो हिरोशिमा नागासाकी तथागत के कदम रास्ते पर चलने से, जापान तथागत के कदमों पर चलने से, तथागत के दिखाए रास्ते पर चलने से आज संसार पूरी दुनिया के अंदर में, साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर में आज बहुत आगे निकल गया। तो साथियों, ये मेडिटेशन का ऐसा है, इसमें समझना पड़ेगा कि मेडिटेशन दो प्रकार के होते। एक मेडिटेशन होता है कि हम स्वयं के स्वास्थ्य को अच्छा रखे, स्वयं के बॉडी को अच्छा रखे। एक मेडिटेशन वो होता है, बुद्ध ने कहा कि किसी विषय पर चिंतन करना, जो चिंतन करता है वो होता है मेडिटेशन। ऐसा चिंतन कि दूसरे के जीवन से दूर हो जाए और उसके जीवन में सुख का मार्ग आ जाए, ये मेडिटेशन हमारे सारे महापुरुषों ने, तथागत बुद्ध ने, महाकरणिक बुद्ध ने, डॉक्टर बाबा साहब ने जो मेडिटेशन किया है बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए, बहुजन समाज के दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने ये मेडिटेशन किया। तो हम भी ऐसा मेडिटेशन करें कि आज हमारी सोसाइटी के अंदर में, हमारे समाज के अंदर में जो लोग दुख है, हमारे समाज के अंदर की जो परेशानियां हैं, इन परेशानी पर कंसंट्रेशन करें कि इनके दुखों से हम, इनके जीवन से हम अपने दुखों को कैसे दूर करें। साथियों, ये मेडिटेशन हम जब तक नहीं करेंगे तब तक हम अपने समाज को, इस देश में बहुजन समाज को अपने पैर पर खड़ा कर नहीं सकते और इनको कभी हुक्मरान बना नहीं सकते। इनके जीवन में जो दुख है उन दुख को हम दूर कर नहीं सकते। तथा के मेडिसिन के ध्यान से अपने ध्यान लगाया, अपने मेडिटेशन किया, उस मेडिसिन से हमको पेंसिल का मार्ग मिला, उस पेंसिल के मार्ग पर चलकर दुनिया में सुखी हो गए, मन में बुखारी के जीवन से सुख आ गया। बाबा साहब ने 18 घंटा की पढ़ाई की, क्या था बाबा साहब का मेडिटेशन था, ये जो इस देश का समाज है, ये जो मानसिक से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से ये गुलाम हो गया है, इनको मैं कैसे मानसिक आजादी दिलवाऊ, कैसे इनको मैं आर्थिक आजादी दिलवाऊ, कैसे इनको मैं सामाजिक आजादी दिलवाऊ, इसलिए बाबा साहब ने 18 घंटे की स्टडी, और ये स्टडी उनका क्या मेडिटेशन थी। और बाबा ने इतना लिख दिया कि साथियों, हम अपने जीवन में 20 तक पढ़ेंगे तो साथियों, आज हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी है, तो जो मेंटल हेल्थ वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर डॉक्टर साहब बात रखेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि जो थर्ड टॉपिक है बुद्धिज्म, कि व्हाट इज बुद्धिज्म, बुद्धिज्म क्या है। तो बाबा साहब क्रांति प्रति क्रांति में लिखते हैं कि बुद्धिज्म वाज अ रिवॉल्यूशन, दो इट बिगेन एज ए रिलीजियस रिवॉल्यूशन, इट बिकेम सोशल एंड पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। बाबा साहब कहते हैं कि ये जो बुद्ध की क्रांति थी, हालांकि धार्मिक क्रांति थी, इसकी शुरुआत धार्मिक क्रांति से हुई, लेकिन यही धार्मिक क्रांति बाद में सामाजिक क्रांति बनी, आर्थिक क्रांति बनी और राजनीतिक क्रांति बनी। इसी बुद्ध की क्रांति की वजह से इस देश में बड़े बड़े राजा पैदा हुए, सम्राट अशोक से लोग राजा बने, ये बुद्ध की क्रांति की वजह से हुई। तो ये बुद्धिज्म क्या है, बुद्धिज्म है कि बुद्धिज्म का मतलब है कि हमारे जीवन के अंदर में, हमारे समाज के अंदर में सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, ये परिवर्तन ही इस देश के अंदर में बुद्धिज्म है। बाबा साहब ने बंबई के महापरिषद के भाषण में कहा था कि इस देश में आपको अगर सुखी जीवन जीना है, इस देश में आपको हुक्मरान बनना है, इस देश में हम लोगों को अपनी मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी, आर्थिक गुलामी को अगर दूर करना है, तो इसका एक ही उपाय है, हम बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा। और बुद्ध की शरण में जाए बगैर ना आप अपनी आर्थिक तरक्की कर सकते हो, ना आप शारीरिक, ना आपकी मानसिक गुलामी दूर हो सकती है, ना कभी इस देश में आप कभी शासक बन सकते हो। ये अगर काम करना है, बुद्धिज्म का जो मतलब होता है कि सामाजिक सम्मान, आर्थिक तरक्की, राजनीतिक तरक्की, ये सारी तरक्की किसमें शामिल है, बुद्धिज्म में शामिल है। अगर हम बुद्धिज्म, हम बुद्ध की शरण जाते हैं, बुद्धिज्म को स्वीकार करते हैं, मैं साथियों आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी मानसिक गुलामी दूर होगी, आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, और आज राजनीतिक रूप से जो हम गुलाम बने बैठे हैं, ये सारी गुलामियां बुद्ध की शरण में, बुद्धिज्म को स्वीकार करने पर
सारी समस्या हल हो जाएगा और इस देश के अंदर में हम जैसे पहले थे जैसे कौन कौन से ऐसे कॉजेस हैं या कारण हैं जिसकी वजह से हमारा मेंटल मेंटल हेल्थ जो है हमारा अफेक्टिव होता है, अफेक्टेड होता है। इसमें है जैसा ऑर्गेनिक कॉजेस। ऑर्गेनिक कॉजेस मीन्स होता है जो हमारे अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनकी वजह से भी हमारा मेंटल हेल्थ जो है तो डिस्टर्ब होता है। और मेंटल हेल्थ को बनाने के या सही होने के लिए मेंटली हेल्थी पर्सन को काफी ज्यादा जो है हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं काफी कुछ उनका रोल होता है। हेरिडिटी जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा जेनेटिकल चलता है, क्योंकि ये जो मेंटल हेल्थ है, जो हमारी एस्पेक्ट है, जो थिंकिंग है, जो हमारी विचार हैं, जो हमारा अटेंशन कंसंट्रेशन या जो हमारी डिसीज कंडीशन होती है, काफी कुछ डिपेंड करता है हेरिडिटी, मतलब हमारे पूर्वजों के द्वारा। जो कहते हैं कि जैसा पिताजी के उसके उन्होंने उनके थिंकिंग थी उसी तरह जो है तो हमारे इसके बच्चों में आ रही। तो ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो है तो ये हेरिडिटी काफी कुछ इफेक्टिव होता है। साइकोसोशियल, फिर है साइकोसोशियल। साइकोसोशियल जैसे हम जहाँ रह रहे हैं इस तरह से लोगों का व्यवहार, लोगों का
ये हर तरह से ये सारी चीजें काफी इफेक्ट करती है। एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल मतलब सराउंडिंग एनवायरमेंट, हम जहाँ रह रहे होते हैं उसके थ्रू रहता है कि मतलब ये एनवायरमेंट कैसा है, जहाँ उसके हिसाब से भी हमारा एक मेंटल हेल्थ काफी कुछ इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर है साइकोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स में है कि इसमें कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो हमारे हेल्थ को काफी कुछ इफेक्टिव करते हैं, जैसे फीलिंग सैड सैड डाउन, कंफर्म थिंकिंग, एक्सेसिव फियर एंड वॉरीज विदाउट फ्रॉम फ्रेंड एंड एक्टिविटीज, इंसोम्निया, डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, एल्कोहल और ड्रग एब्यूज, सुसाइडल थिंकिंग, एक्सेसिव एंगर एंड वायलेंस। आज ये जो है तो एक गुड मेंटल हेल्दी पर्सन के जो अगेंस्ट है, हम बोलते हैं जो हमारा मेंटली रूप से जब हम डिसऑर्डर्स होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये सारे लक्षण होते हैं। हर तरह से हम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारे अंदर ये थिंक ये लक्षण आते हैं, ये सुसाइडल थिंकिंग हमारे अंदर, आत्महत्या के विचार आते हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं, हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। फिर है नेक्स्ट, फिर है इसके पहले था साइकोलॉजिकल रूप से, ये हमारा फिजिकली रूप से। फिजिकली रूप से हमें एक मेंटली हेल्दी पर्सन को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारा मेंटल हेल्थ जो है इसकी वजह से क्या क्या उसमें साइन इफेक्ट, फिजिकली रूप से क्या अफेक्टेड होता है जिससे हमें ये साइन होते हैं, जैसे कि इसमें है फटीग, बैक पेन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ड्राई माउथ, हेडेक, स्वेटिंग, वेट गेन और वेट लॉस, टैकीकार्डिया। ये जो है तो मेंटल हेल्दी पर्सन में जो चीज ये प्रॉब्लम होती है, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, जो कि हमारे जो है फिजिकली रूप से बहुत कुछ इफेक्टिव होता है। हमें काफी ज्यादा थकावट होती है, बैक पेन भी होता है, टैकीकार्डिया या हमारी पल्स रेट काफी बड़ी हो जाती है, बड़ी रहती है, सांस लेने की जो हमारी दर है, क्षमता है, वो चीजें प्रॉब्लम होती है, हेडेक है, ड्राई माउथ है, स्वेटिंग या पसीना है। तो ये चीजें होती हैं इस समय जो पैंडेमिक डिसीजन है, सॉरी पैंडेमिक सीजन चल रहा है जो आजकल की पैंडेमिक, मतलब कि जो आज महामारी का दौर चल रहा है, इससे हमारा हर तरह से मेंटल हेल्थ बहुत कुछ इफेक्टिव करता है। क्योंकि जब हम सुबह से लेके रात तक सुनते हैं 24 घंटे कि आज यहाँ इतने लोग एक्सपायर हुए, हमारे लोग सगे संबंधी एक्सपायर हो गए, अगल बगल वाले लोग हो गए, लोगों का व्यापार नष्ट हो गया, लोगों की जॉब चली गई, लोगों का अपने बिछड़ गए, हर तरह से लोगों का नुकसान हो रहा, तो ये हर साइन एंड सिम्टम्स लोगों में देखने को मिलता। फिर है नेक्स्ट, फिर एक मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्दी पर्सन को यदि कुछ ऐसी कंडीशन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उसमें हमें कुछ मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं जो हम हर तरह से लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जैसे अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जैसे किसी में ऐसा लक्षण या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, तो हम तुरंत उसके डायग्नोसिस या उसकी बीमारी को पहचान करते हैं, फिर उसको ट्रीटमेंट या केयर प्रोवाइड करते हैं। रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन मीन्स कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड देने के बाद हम प्रॉपर फॉलोअप के लिए पेशेंट को, या जो हमारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनको हम रिहैबिलिटेट करते हैं। जैसे इस समय सरकार जो है तो कोरोना या महामारी से जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए हर तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रही है, कहीं उनको इकोनॉमिकल रूप से, कहीं उनको फिजिकली रूप से या साइकोलॉजिकली रूप से काउंसलिंग करवा करके ये सारी चीजें रिहैबिलिटेट करती है। रिहैबिलिटेट करना मतलब जो पहले की अवस्था थी उस कंडीशन में ही पहुंचाने की प्रक्रिया को हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं। फिर है कुछ इंडिविजुअल, ग्रुप एंड बिहेवियर साइकोथेरेपी, ये प्रोवाइड करते हैं हम। मेंटल हेल्थ एजुकेशन, यूज ऑफ मॉडर्न साइको एक्टिव ड्रग्स, आफ्टर केयर सर्विस एंड अदर प्रोग्राम, जैसे है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो ये चलता है, कि हम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, पूरा नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज होता है, जो 1987 में लागू हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। और फिर इसमें जो पूरे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत जो है, तो ये मेंटल हेल्थ और मेंटल डिसऑर्डर के प्रति जो लोगों को अवेयरनेस या जागरूकता फैलाई जाती है, जैसे कि लोग अपने मेंटल हेल्थ को सही बनाने के लिए तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिससे लोगों का मेंटल हेल्थ सही रहता है। और हर तरह की थेरेपी, ऑक्यूपेशनल भी थेरेपी होती है, ग्रुप थेरेपी होता है, बिहेवियर थेरेपी होती है, कई थेरेपी भी हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो सही होते हैं। फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन का जो टॉपिक था, मेडिटेशन आज के दौर में ये हमारा एक मेंटल हेल्थ का एक
पार्ट है। हम हर पेशेंट को बोलते हैं, हर जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब है, हर इंसान का हमारा यही एक मेंटल हेल्थ सर्विस के अंदर आता है। लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं कि आप मेडिटेशन एटलीस्ट 10 to 15 minutes या 20 minutes पर डे किया जाए तो आज लोगों का मेंटली मेंटल हेल्थ काफी कुछ सही रहेगा। या मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए हमें मेडिटेशन करने की जरूरत। फिर इसमें नेक्स्ट आइए, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द प्रैक्टिस वेयर एन इंडिविजुअल यूजेस ए टेक्निक सच एज माइंडफुलनेस एंड फोकसिंग ऑन द माइंड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट थॉट एक्टिविटी ट्रेन अटेंशन अवेयरनेस एंड अचीव ए मेंटली क्लियर एंड इमोशनली काम एंड स्टेबल स्टेट। मेडिटेशन क्या है, हम पर्टिकुलर किसी एक चीज पे अटेंटिव करते हैं, हम एक अपने आप को काफी कुछ काम या अपने मेंटली रूप से या हमारा जो माइंड है उसको स्टेबल बनाने के लिए हम अपने आप को काफी कुछ अटेंशन प्रोवाइड करते हैं। हम एक तरह से हम आज मेडिटेशन को हर धर्म में अलग अलग तरीके से कहा गया है। जैसे हम ये जो हमारा हिंदुज्म कहता है मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन को हम ध्यान केंद्रित भी कहते हैं। और मेडिटेशन जैसे अभी रमेश नांगले साहब ने बताया कि मेडिटेशन को बुद्धिज्म में भी कहते हैं कि आज हमें हर इंसान को एक फुल मेडिटेशन करने की जरूरत है। आज लोगों जो विश्व में या देश में हर तरह से अव्यवस्थाएं फैली हैं, चाहे रिलीजियस हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे हमारा कास्टिज्म हो, हर तरह से जो अव्यवस्थाएं हैं, लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, हर इस चीज के ऊपर हमें मेडिटेशन करने की जरूरत है। जो हमारे भगवान गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन किया था कि आज विश्व में शांति व्यवस्था बनाने के लिए मेडिटेशन था, तो आज वही चीज करने की जरूरत, सख्त से सख्त करने की जरूरत है। और दूसरा जो है तो हमारा इस साइकेट्री हमारा मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है कि मेडिटेशन हर एक इंसान को करने की जरूरत है। यदि आपको मेंटली रूप से हेल्दी रहना है तो मेडिटेशन करना ही होगा। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर है इसमें डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। मेडिटेशन इज अ लैटिन मींस द ऑफ थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग वेल एज वेल एज द पॉपुलर यूजेस ऑफ फोकस वन माइंड एंड पीरियड ऑफ ए टाइम। मेडिटेशन को हम पर्टिकुलर एक समय का फिक्स करते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं सुबह टाइम मॉर्निंग टाइम ही मैक्सिमम टाइम करते हैं, एक टाइम फिक्स होता है हमारा और उसमें हम एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पे सोचते हैं, एक ऑब्जेक्ट पे और उसमें हम अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, अपने डीप थिंकिंग में जाते हैं, जिससे कि हमारा काफी कुछ हमारे मेंटल हेल्दी रूप से हम उसमें हेल्दी होते हैं और हमें रिलैक्स मिलता है। जो आज की तरह तरह की अव्यवस्थाएं हैं, जो अफवाहें हैं हर चीज को लेके, उन सब चीज से रिलैक्स पाने के रिलैक्स हमें इस मेडिटेशन से मिलता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड। फिर है द एक्ट ऑफ गिविंग योर अटेंशन टू ओनली वन थिंग्स आइदर द रिलीजियस एक्टिविटी एज ए वे ऑफ बिकमिंग काल्म एंड रिलैक्स्ड एंड टू एंगेज मेंटल एक्सरसाइज सच एज कंसंट्रेशन ऑन वन ब्रीदिंग ऑन रिपीटेशन ऑफ मंत्र फॉर द पर्पस ऑफ रीचिंग द हाइटनिंग लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। एक तरह से ये हमारा आध्यात्मिक रूप से भी हम या रिलीजियस रूप से देखें या आध्यात्मिक रूप से या हमारे हर तरह एक मेंटली रूप से हम एक थेरेपी के रूप में बात करें तो इसमें हम कहीं ना कहीं अपने जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें अपने आप में उसके माइंड रूप मेंटली रूप से काफी ज्यादा काल में शांत या रिलैक्स फील होता है और यही हमारी मेंटल एक्सरसाइज होती है जो हम बार बार रिपीट करते हैं। और इसी में कई टेक्निक होती हैं, कई तरह से होता है कि हम अपने आप में उसको रिलैक्स फील करते हैं और हमें जो है तो उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या एक जो होल्ड करते हैं एक नाक से एक बार सांस इनहेल करते हैं फिर अपने अंदर 5 to 10 seconds होल्ड करने के बाद एक्सहेल करते हैं, जो हम बारह जो हम बोलते हैं प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती है, रिपीट करने से हमारा जो है तो मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा होता है। फिर नेक्स्ट,
नेक्स्ट स्लाइड. मेडिटेशन इज द प्रैक्टिस इन न्यूमेरस रिलीजियस ट्रेडिशन. द अर्लिएस्ट रिकॉर्ड ऑफ मेडिटेशन ध्यान आर फाउंड इन द एंशियंट हिंदू टेक्स्ट नोन एज द वेदास एंड मेडिटेशन प्ले साइलेंट रोल इन कॉम्पिटेटिव रिपोर्टर ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिज्म. बुद्धिस्ट में ये वेदा जो हमारे वेद थे या वेद पुराण था और उसमें जो वेद पुराण के उसमें यदि हम मेडिटेशन को बोलें तो उसमें ध्यान बोला जाता था. और जो हमारा एक साइलेंट मोड है जो हम साथ जो पूरे विश्व में शांति का संदेश देने वाले हमारे तथागत गौतम बुद्ध हैं तो उसमें उनकी तरह यदि उनमें हमें बात की जाए तो एक शांति या साइलेंट रोल होता है जो हमें जो है एक तरह से इंसान को रिलैक्स और काफी शांति मिलती है मेडिटेशन करने से. फिर नेक्स्ट है, फिर इसमें कुछ शॉर्ट में हिस्ट्री है. द हिस्ट्री ऑफ मेडिटेशन गोज बैक मेनी थाउजेंड ऑफ ईयर इनटू एंटीक्विटी हिटसेल्फ एज पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ योगा. द प्रिंसिपल वेयर डिवाइनली एंड रिसीव्ड बाय ऋषिज illuminated its sag of India as mean of salvation, allowing man path back to the union again with his divine of creator gods. According to Patanjali Yoga Sutra, meditation is the seventh step of toward spiritualism and the eighth step being of the samadhi union with the creator. ये जो हमारा इतिहास में भी गवाह है जो हम पहले के लोग भी करते थे कि मतलब हमें योगा और मेडिटेशन ये करते हैं तो इससे भी हमें काफी कुछ रिलैक्स मिलता था. कुछ लोग जो पहले ऋषि मुनि होते हैं ये भी मेडिटेशन ही करते थे लेकिन उस समय उनका जो ऋषि मुनि लोग जो करते थे उसको ये लोग ऋषि मुनि की तरफ से कहा जाता था कि ये आपस में इनका जो ध्यान केंद्रित करना होता था इसी तरह जो है. तो पतंजलि योगा सूत्र ने भी मेडिटेशन को सेवंथ स्टेप में किया कि जो हमारा स्पिरिचुअलिज्म है जो हमारा अध्यात्म है उस चीज में हम कहीं अपने आप को काफी ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कोई एक टॉपिक या किसी गॉड के उसमें जो जिस गॉड को मानता है उसमें उसको काफी कुछ रिलैक्स मिलता है. ये हमारा काफी हिस्ट्री में भी ये सारी चीजें काफी चलती थी और हर रिलीजियस के हिसाब से अलग अलग इसमें जो है तो मेडिटेशन को डिफाइन किया गया. फिर नेक्स्ट है, मेथड्स ऑफ मेडिटेशन. कैसे मेथड में इसमें सबसे अच्छा है इन दिस रेगुलर कैंडल इज यूज्ड. हाउएवर एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ चॉइस कैन बी यूज्ड. द कैंडल इज सेट अप एट एन आर्म डिस्टेंस लेवल विथ द आई स्टडी गेजिंग ऑफ डन बाय आई ओपन. जो हम मेडिटेशन करते हैं एक नॉर्मल साधारण सी मुद्रा में हम अपने आप को रिलैक्स में एकदम बैठते हैं बॉडी को एकदम काफी ज्यादा रिलैक्स करने के बाद हम उसमें ध्यान में बैठते हैं और उसमें हम सांस लेते हैं मतलब एक तरह बार जो है सांस लेते हैं फिर 8 से 10 सेकंड जो है तो उस चीज को हम होल्ड करने के बाद फिर छोड़ते हैं तो ये जो है तो हमारा काफी कुछ हमें रिलैक्स प्रोवाइड होता है और हम उस चीज में हमें आगे बढ़ते हैं. फिर नेक्स्ट, फिर है इसमें एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन में फर्स्ट सिट अपराइट. मतलब हमें एक ध्यान मुद्रा में सीधे बैठना है और अपने आप रिलैक्स द बॉडी को एकदम पूरी तरह बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना है. ब्रीथ इवेंटली का मतलब है इनहेल स्लोली काउंटिंग और टू एट होल्ड ऑन द ब्रीथ फॉर एट मोर काउंट देन एक्सहेल स्लोली टू द सेम काउंट विदाउट पॉसिंग ऑफ द इनहेल अगेन होल्ड एक्सहेल ईच टू काउंट ऑफ द ईच ईयर ईच. This is the card of the measures breathing of the exercise. Repeat the 3 times. ये जो हमारा actual जो process है meditation का, इसमें हमें first time जो है तो अपने आप
जो है तो सीधा बैठना है, फिर इसके बाद हमें ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में 8 से 10 बार करना है, जिससे हमें मेंटली रूप से काफी ज्यादा रिलैक्स मिलता है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, फिर बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। मेडिटेशन के बेनिफिट्स में सबसे पहला है रिड्यूस स्ट्रेस। रिड्यूस स्ट्रेस में मतलब हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, जैसे हम इस समय वर्तमान में जो महामारी या पैंडेमिक डिसीज महामारी की वजह से हम स्ट्रेस में होते हैं, इसे करने से काफी कुछ रिलैक्स मिलता है। बिल्डिंग स्किल टू मैनेज योर स्ट्रेस, हमारे अंदर एक स्ट्रेस स्किल्स या स्किल्स डेवलप होती है जो हम अपने स्ट्रेस को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस, हमें हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस है, हम अपने आप काफी ज्यादा जागरूक होते हैं अपने मेंटल हेल्थ के प्रति। फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट, हमारा जो प्रेजेंट है जो चल रहा है, जो हम कार्य करते हैं उसमें हमारा जो है काफी ज्यादा अच्छे फोकस रहता है। रिड्यूसिंग नेगेटिव इमोशंस, हमारे अंदर जो निगेटिविटी होती है, जो हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स होते हैं, वो चीज का इसमें मेडिटेशन करने से कम होती है। इंक्रीजिंग इमेजिनेशन एंड टॉलरेंस, मेक योर मोर पॉजिटिव इन एटीट्यूड, हमारा जो होता है तो इसमें काफी कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड हम जो है तो डेवलप होता है और हर तरह से बेनिफिट्स होता है, जो हमारे फिजिकली रूप से काफी रिलैक्स होता है, जो मसल्स या जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन मेडिटेशन करने से काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं और उनकी काम करने का जो रेट है वो नॉर्मल से काफी अच्छा हेल्दी रहता है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, मसल्स स्पाज्म है, मसल्स टेंशन, ये काफी चीजें रिलीज होती है। हमारा जो टेंशन में जो वाइटल ऑर्गन जो हमारा रिस्पायरेशन रेट है, पेन है, ये सारी चीजें काफी कुछ रिलैक्स होती हैं। और ये जो है तो मेडिटेशन का ये टॉपिक है और फिर इसके बाद ये इसमें बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन है। और भी इसके अलावा भी मेडिटेशन के काफी कुछ हैं, ये शॉर्ट टाइम था जिसके लिए हमने इतना कलेक्ट किया है। फिर से हम नेक्स्ट स्लाइड, तो ये हमारा टॉपिक है मेडिटेशन एंड मेंटल हेल्थ। मेडिटेशन एंड मेंटल हेल्थ में है कि इसमें सबसे ज्यादा एक तरह से मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन और बुद्धिस्ट, एक तरह से हम तीनों को रिलेट करें तो काफी एक दूसरे के प्रति काफी इन दोनों का आपस में संबंध अच्छा है कि जो हम हमारा मेन रूप इंसान को लाइफ में काफी कुछ करना है तो ये चीज तीनों चीजें सही, मेंटली रूप से हेल्दी होना होगा, मेडिटेशन करना होगा और जो बुद्धिज्म की जो विचारधारा है उसे हमें प्रॉपर फॉलो करना जरूरी होगा, करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी पहले भी कहा है कि पूरे विश्व में शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी थे। और लेकिन आज कुछ ऐसी विचारधारा की वजह से हमें जो है तो इस विचारधारा को फॉलो करने से रोका जा रहा है या इस विचारधारा के अगेंस्ट काम किया जा रहा है। तो इसीलिए मेरा आज निवेदन है कि हर एक इंसान को आज मैं यदि बुद्धिज्म विचारधारा फॉलो करने की जरूरत है, और क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है इस अपने छोटे से जीवन में कि आज यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें एक बार फिर से बुद्ध विचारधारा की ओर चलना होगा और बुद्ध विचारधारा को मानना होगा यदि बुद्ध भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसी के साथ मैं फिर से इसके चेयरमैन डायरेक्टर केतन पाटिल और अपने परम मित्र मुकेश पाटिल, रामेश नागले साहब, मैं सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदना अभिनंदन करता हूं। आपने मुझे एज ए स्पीकर इनवाइट किया और सभी का हार्दिक फिर से बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी की शुभकामनाएं देता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू मुकेश सर, इसमें 10 मिनट का समय आ चुका है तो मैं चाहता हूं कि आप इसमें आभार प्रकट करें। बहुत बहुत साधुवाद दोनों स्पीकर्स का, खास तौर पे रमेश नागली जी का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला, क्योंकि यह बहुजन समाज में बहुत ही जागरूक व्यक्ति के तौर पे कार्य करते, इसीलिए आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर इनका बहुत ही समय बिजी होता है, पर फिर भी अपना अमूल्य समय निकाल कर हमें जो उन्होंने धम्मदान दिया है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और राम प्रसाद कुशवाहा सर का भी बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और हमें मेंटल हेल्थ और मेडिटेशन के बारे में इतना डीप में कम समय में
बताया और किस तरह से उसकी विधियाँ होती है इसके बारे में बताया। आप सभी को बुद्ध पावन पूर्णिमा पर सभी को मैं दोबारा बधाई देता हूँ एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपका बहुत बहुत साधुवाद जो हमारे इस वेबिनार में शामिल हुए। धन्यवाद।